हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गामा कैरियर क्लासेस। अभी तक मैंने डिफरेंशियल क्वेश्चन के आए थे एक्सरसाइज 18.5 तक कंप्लीट हो गई थी। लास्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आज मैं कराऊंगा लीनियर इक्वेशन 18.6 सुधीर पंडित की बुक से। उसमें क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके सारे क्वेश्चन हम अभी बताएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें dy/dx + py = q। हमें क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन दी होगी हमें इस फॉर्म में पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। फिर क्या करना होगा मेरे को, उससे कंपेरिजन करके पी एंड क्यू की वैल्यू को निकालना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन फंक्शन होता है उसको हम पहले निकालते हैं, यानी इसको हम कैसे निकालते हैं, e^p dx। इससे इसकी इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस पे हम क्या करते हैं, दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, e^p dx का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, dy/py e^p dx = q e^p dx। क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटीग्रेशन फंक्शन था उसको हमने क्या किया, बोथ साइड e^p dx का क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम क्या होगा, p dx dy + py e^p dx, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अपॉन में मेरा क्या आएगा, टोटल dx = q e^p dx। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें हम d कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y e^p dx = q e^p, यहाँ ऊपर भी dx होगा और यहाँ पे पूरा होल का भी dx होगा। अब बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, dy e^p dx = q e^p dx dx। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y e की जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, p dx = q e^p dx dx + c of constant of integration। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, इसमें हमने कोई इक्वेशन लेट कर दी, लीनियर इक्वेशन को dy/dx + py = q। ठीक, अब इंटीग्रेशन के फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, e^p का इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरा इसका p का होगा ऊपर पावर पे। ठीक है, ये पावर पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, जो लीनियर इक्वेशन लेट की हुई थी उस पर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, e^p dx का, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी इक्वेशन बनी। अब मैंने क्या किया, इस पर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये मेरा बना y e^p dx, ये इक्वेशन बन गई। ठीक, इक्वल टू ये हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस में चला गया dx हो गया, और बहुत सारे जब इंटीग्रेशन किया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, y e^p dx = q e^p dx + c, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ वो कैसे होगा, वो हम बताते हैं। ये फर्स्ट नंबर लिखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dy/dx - y/x 2x². इस पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इक्वेशन इसी के फॉर्म में dy/dx + py = q के फॉर्म में गिवन आउट है। अगर हम इससे p की वैल्यू पूछें तो क्या आएगी मेरी, -1/x, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन किसके लगा, माइनस का, तो ये वैल्यू p की किसके आएगी, माइनस की आएगी। एंड y इसके मल्टीपल पे है, तुमने y को क्या किया, छोड़ दिया, बाकी बचा क्या, 1/x। ठीक है, अब इसी तरह q की वैल्यू हम पूछें तो क्या बताओगे,
टू एक्स स्क्वायर, ये हमारी किसकी वजह से हुई, क्योंकि क्योंकि इससे हमने क्या किया, कंपेरिजन किया, ये लिख भी देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, से क्या करने पे कंपेरिजन करने पे, तो सो पी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स एंड क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन फंक्शन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन जब फंक्शन निकालेंगे तो e की पावर p dx करेंगे, तो e की पावर p dx जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, p की वैल्यू हम रखेंगे तो e माइनस का वन अपॉन x इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या हो जाएगा मेरा log, ये log हो जाएगा e की पावर log x। ठीक है, तो जब ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मेरा क्या हो जाएगा क्लियर, वन अपॉन एक्स किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फंक्शन मेरा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को रखेंगे, यानी वाई ई की पावर पी फॉर्मूले में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं ई पी की पावर बी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर पी डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो फंक्शन निकाला था उसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स निकालिए, हमने क्या निकाले इंटीग्रेशन फंक्शन वन अपॉन एक्स, ये आई है। ठीक है, वन अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी टू एक्स स्क्वायर, एंड इसकी क्या लिखेंगे वन अपॉन एक्स, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है ए की पावर पी डी एक्स की वैल्यू निकाली है वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, यानी मेरा क्या है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हमने टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरा क्या बचा एक्स डी एक्स बचा। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन, सी रख लिए सी वन लिख लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y अपॉन x इज इक्वल टू टू से टू डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, दैट आई एंड आंसर y के अगर वैल्यू पूछे तो क्या आएगी y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1, तो ये हमारा y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 3 प्लस c1 x, क्योंकि हमने c1 x कांस्टेंट माना था तो c1 x ही लिख दिया है, अगर आप c मानते तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x dy upon dx minus y is equal to x square। देखिए इसको भी मेरे वेरी इजीली से करेंगे, कैसे करेंगे हमने पहले बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम dy upon dx plus py equal to q, q के फॉर्म में हम क्या करेंगे इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं dy upon dx इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या होगा dy upon dx माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि इसके मल्टीपल में हमारे क्या एक्स नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा जब कॉमन लेंगे तो डिवाइड की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर को गिवन आउट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्यों है ना, क्योंकि हम इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड करें या ऐसे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा x होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कंपेरिजन करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस इक्वेशन से हमें क्या करना होगा कंपेरिजन करना होगा, कंपेरिजन करने का मतलब ये है कि इससे हमें क्या p एंड q की वैल्यू को गिवन आउट करना है, यानी हमें क्या करना है p इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस दिया हुआ क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो माइनस का वाई अपॉन एक्स दिया, तो वाई पी की वैल्यू अगर पूछेंगे तो वाई प्लस की वैल्यू अपॉन एक्स आएगी, एंड क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी एक्स आएगी। ठीक है, पी एंड क्यू की वैल्यू को निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है मेरा वाई ई की पावर पी डी एक्स, यानी पी का क्या होगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स, ये हमारा क्या है होल डी एक्स यानी
ये ऊपर e की पावर t dx होगा एंड पूरा होल भी होगा। इसको हम फॉर्मूले को यहाँ पे हम i एंड i डॉट f भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी e की पावर p dx की वैल्यू को गिवन आउट कर लेते हैं। तो e की पावर p की वैल्यू क्या है, माइनस की 1 अपॉन x dx, तो ये क्या हो जाएगा मेरा e माइनस का हो जाएगा log x, जब हम उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा e की पावर log 1 अपॉन x हो जाएगा, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ये e है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 अपॉन x हो जाएगा, यानी e p dx की वैल्यू हमारी कितनी आई 1 अपॉन x आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन में p एंड q की वैल्यू को लिखेंगे, तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन मान लो, फॉर्मूला लिख लो फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इसमें क्या होगा y e की पावर p अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई y अपॉन x, यानी 1 अपॉन x लिखा, ठीक, इक्वल टू ये क्या हुआ इंटीग्रेशन, q क्या दिया हुआ मेरा x दिया हुआ है, तो q की वैल्यू क्या है x आई, एंड e की पावर p की वैल्यू क्या ली हुई 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x आई dx, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू x, x डिवाइड हो गया यानी 1 आया 1 dx, जब 1 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा मेरा x आएगा, एंड y अपॉन x क्या मेरे इक्वल में चल रहा है, प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम y की वैल्यू पूछेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी x स्क्वायर x c, दैट इज आंसर। आई होप ये भी आपको वेरी इजीली क्लियर हुआ होगा। देखिए फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है dy अपॉन dx प्लस sec y sec x y इक्वल टू 10x, ठीक है, इसमें क्या है हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं यानी sec एंड tan फॉर्म में दिया होगा, तो इसमें भी भाई इजीली से करेंगे क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे जैसे हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये मेरी इक्वेशन उसी फॉर्म में मेरी लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx py इज इक्वल टू q, सो हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, तो p की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी sec x आ जाएगी, एंड q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी tan x हो जाएगी, p एंड q की वैल्यू क्या आएगी मैंने गिवन आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे इसको, पहले हम क्या करते हैं i f निकालते हैं यानी इंटीग्रेशन फंक्शन निकालते हैं, यानी e की पावर p dx, तो e की पावर p dx का मींस यानी e की पावर sec x sec x dx, जब हम sec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है मेरा e की पावर log sec x plus 10x, मेरा क्या आता है जब log इंटीग्रेशन करते हैं sec x का, तो मेरा क्या आता है sec x plus 10x, log का sec x plus 10x ये फॉर्मूला होता है। लास्ट वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले सारे प्रूविंग कराए हुए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये समझ में आया ये कैसे हुआ, तो इंटीग्रेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या आप वीडियो देखेंगे तो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे टॉपिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका हमने वैल्यू निकाल ली है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं sec x, ये e है ये log है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sec x plus 10x, यानी हमारा if कितना आया sec x plus 10x, if बोलिए और e की पावर p dx बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है मतलब दोनों फॉर्म ही है, यानी आई एफ निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज करना होता है। अगर हम इसको आई एफ बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू बोलते हैं तो कोई दिक्कत ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला जो हमारा होता है वाई ई की पावर पी डी एक्स, यहाँ पे हम ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम लिख सकते हैं आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू e की पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स, देखिए दोनों तरफ जाएगा डी एक्स क्योंकि यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे इसके पूरा का होल डी एक्स होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे y, इसकी हमने वैल्यू जो निकाली आई एफ यानी e की पावर पी डी एक्स की, वो क्या निकाली है sec x प्लस 10x,
इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू हमारी होगी 10x एंड e की पावर p इंटीग्रेशन dx की क्या निकाली मैंने sec x प्लस 10x का होल dx। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूले में दिया हुआ है कि होल dx करेंगे तो होल dx ने किया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, मेरा y sec x प्लस 10x वैसे रहेगा इज इक्वल टू, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी 10x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx, ये हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई किया है, अलग अलग क्या किया इंटीग्रेशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 10x एंड sec x dx को, तो ये मेरा हो जाएगा sec x एंड 10 स्क्वायर x का मेरा इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके करने के लिए हम क्या करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 से चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा sec x हो जाएगा प्लस का, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 होगी, किसकी 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, भाई इजी क्वेश्चंस है dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा, ठीक है, बट इसका जब हम करेंगे अलग अलग sec स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रेशन मान dx, ये हमारा हो जाएगा sec x प्लस 10x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे बनता हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में, यानी मेरा कितना हो गया x हो गया एंड sec स्क्वायर x dx का क्या होगा मेरा 10x होगा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मेरा क्या होगा, मेरा जो मल्टीप्लाई में आंसर है यानी क्या होगा y = y sec x + 10x is equal to sec x + 10x minus x + c, ये क्या हो गया दैट इज आंसर। अगर आपको क्वेश्चन बुक में ऐसे आ रहा होगा y equal to निकाला हुआ है sec x + 10x minus x + c and upon में क्या लिखा sec x + 10x, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ वैसा, मतलब आंसर दिया हुआ वैसा चेंज कर सकते हैं, बट इतना भी मेरा क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है sin x dy upon dx + cos x y equal to cos x sin square x, देखिए इसको फिर हम ऐसे करेंगे dy upon dx + py equal to q, इस टाइप के जितने भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन होंगे, सारे हम उसी टाइप में करेंगे, उसी को पहले हम चेंज करेंगे उसी इक्वेशन के फॉर्म में, फिर इसको p एंड q की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम if निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर p dx के फॉर्म में, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पहले हम dy / dx + py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन उस फॉर्म में दी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे टी वाई इसमें कॉमन ले लेते हैं डी एक्स प्लस साइन एक्स, क्या क्या मैंने कॉमन ले लिया, साइन एक्स को मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो यानी मेरा क्या हुआ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन यानी कॉट एक्स, ये तो आपको पता ही होगा क्लास 10 में बताया जाता है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन से साइन एक डिवाइड हो गया, यानी मेरा यहाँ पे कितना आया cos x sin x, ठीक। अब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे dy / dx + py = q से, तो जब हम p की वैल्यू पूछेंगे तो क्या बताओगे cot x बताओगे एंड q की वैल्यू हम पूछेंगे तो क्या बताओगे cos x sin x, क्योंकि हमने इससे कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी cot x एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x sin x, ठीक है, ये हमारी p एंड q की वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका पहले हम आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ निकालने के लिए e की पावर पी डी एक्स, यानी पी के फॉर्म में क्या लिखा है, कॉट एक्स डी एक्स। तब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। तो ये लॉग साइन एक्स होगा, तो हम इसको जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन एक्स। ठीक है, यानी मेरा आई एफ कितना आया, साइन एक्स। या आई एफ आया e की पावर p dx की वैल्यू आई, बात एक ही है, दोनों ने को लिख दिया है। ठीक है, आई एफ मेरा क्या है, साइन एक्स। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, y आई एफ ब्रैकेट में आई एफ में लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में आई एफ को फॉर्म में लिख देते हैं फॉर्मूले को, इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आई एफ का वैल्यू रखेंगे, तो यानी वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा मेरा, क्यू, क्यू की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है, कॉस एक्स साइन एक्स, एंड आई एफ की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, बाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नॉर्मली हम करते थे पहले इंटीग्रेशन, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो क्या करते थे हम, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, लेट क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कॉस एक्स के प्लेस में डी टी लिखेंगे, साइन एक्स साइन के प्लेस में टी स्क्वायर लिख देंगे, तो यानी हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर डी टी। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यानी ये है मेरा वाई साइन एक्स, इस पर हमने ये किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको टी के फॉर्म में चेंज किया, तो टी के फॉर्म में आया, तो यानी हो गया टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस में मैंने क्या निकाला, डी टी, ये किससे निकाला, डिफरेंशिएट से निकाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, एंड ये मेरा इक्वल में क्या चल रहा है, वाई साइन एक्स चल रहा है, तो वाई साइन एक्स की वैल्यू मेरी होगी t की पावर थ्री, यानी t हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन x को, साइन x को मैंने क्या लेट किया हुआ था, t, तो यानी हमारा कितना आया, साइन की पावर थ्री अपॉन थ्री। अगर हम इसको डिवाइड करें, यानी y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी, y साइन, इसको प्लस c1 क्या होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ c होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी होगा साइन क्यूब x अपॉन थ्री, ये हमारा थ्री इसके साथ चल रहा है, वन अपॉन थ्री है, साइन एक्स प्लस, अब इसके साथ डिवाइड भी हो जाएगा साइन, यानी साइन एक्स। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी मेरा क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉसेक एक्स हो जाएगा, ये क्या हुआ, वन अपॉन साइन एक्स को मैंने क्या चेंज कर दिया, कॉसेक के फॉर्म में, तो यानी हो गया सी कॉसेक एक्स। ठीक है, ये दैट इज आंसर, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमें किसकी वैल्यू निकाल रहा है, वाई की। देखिए, जब भी वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो जो वाई का मल्टीपल होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमने डिवाइड किया, तो इस पे भी डिवाइड होगा एंड इस पे भी डिवाइड होगा अलग अलग, तो यानी ये मैं एक पावर कट जाएगी, यानी साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक, एंड यहाँ भी मेरा क्या बचा, वन अपॉन साइन एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स जब बचेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स के फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आया। यस स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 + x स्क्वायर dy / dx + y = tan इनवर्स x। इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वैसे ही करेंगे, पहले dy / dx + py = q के फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए, अभी तक मैंने क्या किया था, कॉमन करके मैंने किया था। ठीक, अब मैं डायरेक्टली इसको कॉमन करके लिख देता हूं, कैसे आपको ये बनेगा, यानी मेरा हो जाएगा dy / dx प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, इसको अगर मैं एलसीएम लेंगे तो ये मेरा उधर चला जाएगा, ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसने आप मैंने किया है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, तो पी की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी मेरी वैल्यू आ गई क्यू की। देखिए अब पी आई क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो अब मेरा जो फॉर्मूला था वाई आई एफ इक्वल टू ई की क्यू आई एफ डी एक्स, ठीक है। यानी फॉर्मूला मैं पहले एक बार फिर से लिख देता हूँ, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे आप भी कॉपी पे लिखिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे, यानी हम पहले इसको आई एफ निकालेंगे, आई एफ यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा e की पावर p डी एक्स। आई एफ निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर p डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पे रखेंगे p की वैल्यू, p की वैल्यू हमारी क्या थी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसके मैं p की वैल्यू रख दी, अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। यानी मेरा आई क्या हुआ आई एफ गिवन आउट हुआ निकल आया। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को रखेंगे, यानी बाई आई एफ के प्लेस में क्या लिखेंगे e की पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q के प्लेस में हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड आई एफ के प्लेस में क्या लिखेंगे e की पावर टेन इनवर्स एक्स का होल डी एक्स। इतनी चीज क्लियर हो गई, क्या किया मैंने ये लिखा टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई e की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे इसका जो तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया, हम इसको इक्वल लगाते हैं। अब इसको हम करने के लिए सबसे पहले इसको हम टेन इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे, यानी टेन लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, टी लेट को के लेट को उसको डिफरेंट नहीं पड़ता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कैसे है डिफरेंशिएट से आया, जब टेन इनवर्स एक्स लगाएंगे तो क्या होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट में, ठीक है। अब यानी मेरी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस में क्या लिख सकते हैं डी टी, यानी इसके एंड इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं डी टी, एंड जो वहाँ पे हमारा टेन इनवर्स एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टी, तो यानी टी e की पावर टी डी टी, ये मेरे का ना इक्वल टू लगाया मैंने, देखिए ध्यान दीजिएगा ये अलग है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा इक्वल टू टी ई की पावर टी डी टी। अब हम फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला निकाल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट फंक्शन में मानता हूँ टी एंड सेकेंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर टी, मैं एक बार लिख देता हूँ, हो सकता है आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ई की पावर टी डी टी माइनस का डी बाई डी एक्स डी टी, सॉरी क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में होगा e की पावर t dt, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा मेरा t e की पावर t माइनस का 1 e की पावर t dt, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा t e की पावर t माइनस का e की पावर t, e की पावर t को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 1, ये हमारी क्या हो गई वैल्यू निकल आई। वैल्यू क्या निकल आई, मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ t फॉर्म में मेरा क्या हुआ इंटीग्रेशन हुआ e की पावर t t माइनस वन, ये आया मेरा। अब मेरा इक्वल में क्या रहा था मेरा क्या भाई e की पावर टेन इनवर्स x, ये मेरा क्या इक्वल पे चल रहा था। अब हमें क्वेश्चन दिया था x के फॉर्म में, तो हम आंसर किसके फॉर्म में देंगे x के फॉर्म में देंगे, तो हम आंसर लिखेंगे क्या करेंगे भाई e की पावर टेन इनवर्स x, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है साथ में, तो क्या इक्वल टू e की पावर t यानी t की वैल्यू क्या है क्यू थी टेन इनवर्स x, तो यानी होगी e की पावर टेन इनवर्स x एंड टेन इनवर्स x माइनस वन, ठीक है, प्लस c, दैट इज आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर y की वैल्यू पूछता तो हम क्या कर y की वैल्यू जैसे पूछा क्वेश्चन में, मेरे को नहीं पता मैंने बुक नहीं देखी है,
अगर आपने कुछ बुक के आपके पास होगी तो आप बुक में देखेंगे जैसा भी आंसर आ रहा होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके यानी वाई की अगर वैल्यू हम निकालें तो ये मेरा कॉलेज डिवाइड हो जाएगा और ये मेरा सी के फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको भाई इजिली समझ में आए होंगे। एंड इसका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी होगा टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट डे होगा। इसमें क्या करना होगा इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड फ्रेंडों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।